Hello students, today we will discuss a question of science part from GS3 2019. So, जैसे कि हमें पता है कि exam हो चुका है GS3 का और उसमें से question हम इसमें discuss करेंगे. Question है, how can biotechnology improve the living standards of farmer? तो ये एक integrated question है, इसमें agriculture का part भी है, ठीक है, और ये biotechnology से related है, तो ये science का part भी हो जाता है. तो ये दोनों integrated form में पूछे गए हैं, biotechnology टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन जो है वो 250 मार्क्स का है, तो ये इसमें काफी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से, इसको डिफाइन करेंगे. तो एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ह्यूमन यूज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो या उससे कोई बेनिफिट मिले हमें. तो इसमें मेजर जो पार्ट है, पहले हमने डेफिनेशन लिख दी, अब एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी से हम पहले भी एग्रीकल्चर में बहुत कुछ करते रहे हैं जिसमें कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक से हमारे पास हम अल्टर कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है. बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और हम बहुत सारे माइक्रोब्स बनाते हैं इससे जो कि एग्रीकल्चर यूज के लिए बेटर है, बढ़िया है, ठीक है. लेकिन अब जो रीसेंट इसमें जो इंक्लूजन हुई है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की है कि हम जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं प्लांट्स में और उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं. तो उसमें देखते हैं क्या है. अब क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो मेन ये है कि हाउ इट कैन इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर. सो हमने इसमें ये डिस्कस करना है कि फार्म इनकम जो है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है. अब यहाँ पर क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जब बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड होगी तो हम उससे क्रॉस बना सकते हैं जो कि टॉलरेंट होगी टू स्पेसिफिक हर्बिसाइड. अब एट प्रेजेंट क्या है कि हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द वेरियस अनवांटेड हर्ब्स. तो उसमें क्या होता है कि एक्सपेंडिचर फार्मर्स का होता है. अगर हम क्रॉप्स बनाते हैं जो कि टॉलरेंट हो टू स्पेसिफिक हर्बिसाइड तो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. तो इससे फार्म इनकम जो है वो फार्मर की बढ़ेगी, नेट इनकम बढ़ेगी. नेक्स्ट है हमारे पास, हम क्या करेंगे, क्रॉप्स बनाएंगे दैट विल बी रेजिस्टेंट टू पर्टिकुलर हार्श क्लाइमेट. तो हार्श क्लाइमेट के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंट आ जाती है प्लांट में तो उससे भी बहुत सारी जो एक्सपेंडिचर है फार्मर की वो बच जाएगी. कैसे, हमें फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेस फ्यूल विल बी स्पेंड एंड वाटर की सेविंग बहुत हो जाएगी. तो मोस्टली क्या होता है कि हम उगाते हैं वाटर इंटेंसिव जब क्रॉप उगाते हैं तो उसमें बहुत सारे वाटर की कंजप्शन होती है और हमें पता है कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो डाउन जा रहा है. अब वाटर डाउन जा रहा है लेकिन क्रॉप के लिए तो पानी चाहिए, तो हम क्या करते हैं और डीप बोरवेल करते हैं, उससे और भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है वाटर के लिए, ठीक है. तो उसको अगर हम कंट्रोल करना है तो हमें ऐसे क्रॉप्स चाहिए जो कि हार्श क्लाइमेट को विदस्टैंड कर सकें, वो ड्रॉट को रेजिस्ट कर सकें, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, क्रॉप रेजिस्टेंट टू प्लांट डिजीजेज. अब मान लो कोई क्रॉप है उसमें कोई डिजीज हो गई है तो उससे क्रॉप की वेस्टेज होगी, तो क्रॉप वेस्टेज इक्वल टू मनी लॉस. अगर हम प्लांट डिजीजेज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट पैदा कर देते हैं क्रॉप में तो उससे क्या होगा, क्रॉप सेव हो जाएगी, तो वो भी मनी सेव, यानी कि उससे भी नेट इनकम जो है वो फार्मर की बढ़ेगी. नेक्स्ट है हमारे पास हाई यील्डिंग वैराइटीज. अब इसमें क्या है कि एक लेवल पे जाके फ्रॉम सिंस 2001 जो राइस और वीट की जो प्रोडक्शन है ना वो उसमें एक स्टैग्नेंट फेज आ गया, अब वो और बढ़ नहीं रही, ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा एग्रीकल्चर एंड लैंड एक्वायर कर रहे हैं, कैसे, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके. तो ये बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए लॉस हो रहा है. लेकिन इसको अब कैसे हम कवर कर सकते हैं, हम हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. अगर हम इस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं तो हमें और ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड की ज़रूरत नहीं है और हमें ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ेगा. और वही जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है या वही जो फॉरेस्ट लैंड है हम कैटल रियरिंग या और एसोसिएटेड मीन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें पोल्ट्री होगा, ये हो गया और चीज़ें होगी, तो उससे हम फार्म इनकम को बढ़ा सकते हैं और ये भी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर को इंक्रीज करेगा. इसके अलावा क्रॉप रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स,
ठीक है, अगर क्रॉप्स जो है वो रेजिस्टेंट है टू इंसेक्ट्स एंड वेरियस पेस्ट, तो हमें सिंथेटिक पेस्टिसाइड यूज नहीं करने पड़ेंगे, इससे भी जो इनपुट कॉस्ट है जो फार्मर की वो कम हो जाएगी और सेविंग जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम न्यूट्रिशनली रिच जो क्रॉप्स हैं वो पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज़ हो सकते हैं, तो वहाँ से भी जो फार्मर को एडिशनल इनकम हो सकती है। इसके अलावा है फाइटोरेमेडिएशन। फाइटोरेमेडिएशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ पोल्यूशन या डिक्रीज ऑफ पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स, हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जो कि सॉइल में से जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जैसे कि जीएम मस्टर्ड क्रॉप जो है वो आर्सेनिक को सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं तो उसको भी फर्दर यूज़ किया जा सकता है वेरियस पर्पसेज के लिए, तो वहाँ से भी फार्मर को इनकम हो सकती है। ओके तो ये सारे पॉइंट्स लिखे, फाइनली हमने इसको कंक्लूड करना है, तो कंक्लूजन हमें पता है कि हमेशा जो पॉजिटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अभी ये सारे स्टेप्स अभी लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं तो हम फार्मर की लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं उसकी नेट इनकम बढ़ा के। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइबर डोम प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये केरला पुलिस की तरफ से शुरू करा गया था 17 February 2016 को, और इस प्रोजेक्ट में था क्या कि केरला पुलिस ने विद द हेल्प ऑफ अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन काउंटर पार्ट्स, उन्होंने एक एस्टैब्लिश किया सिस्टम, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, और ये एस्टैब्लिश हुआ टेक्नो पार्क त्रिवेंद्रपुरम में। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन जो एम था वो था कि साइबर क्राइम को टैकल करना और साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और जैसे कि एट प्रेजेंट हमारे पास बहुत सारी जो साइबर क्राइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हैकिंग है, ईमेल हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग है, सोर्स कोड थेफ्ट है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, तो इन सारे जो इश्यूज़ को टैकल करने के लिए ये इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, एंड इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। और अब बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रही हैं इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। अब इस प्रोजेक्ट में जो मेन रोल प्ले करा था वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर मनोज इब्राहिम थे, ठीक है, जो कि नोडल ऑफिसर हैं इस प्रोजेक्ट के, और इन्होंने इसको स्टार्ट किया था फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंजेस इनको टैकल करने के लिए, और इस प्रोजेक्ट को 2016 में अवार्ड मिला था फॉर द इनोवेटिव यूजर टेक्नोलॉजी इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि तब से ये बहुत सही काम कर रहा है। इसके बाद 2017 में इस प्रोजेक्ट के अंडर जो केरला के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था टू ब्रिंग द साइबर अवेयरनेस अमंग द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। जैसे कि आपने सुना होगा कि ऑनलाइन गेम थ्रेट बहुत मेजर इशू था इन द रिसेंट टाइम, कि जैसे कि एक ऑनलाइन गेम थी ब्लू व्हेल, एंड इट वॉज इंस्टिगेटिंग द चिल्ड्रन टू कमिटिंग सुसाइड और डेथ डिफाइंग डेयर डेविल्स, तो इससे कई बच्चों की जान भी चली गई, तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इस प्रोजेक्ट का बहुत मेजर रोल था। उसके बाद इसमें जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन सिस्टम था, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम था केरला का, उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत हो रहे थे, तो उसको टैकल करने के लिए इस प्रोजेक्ट के अंडर एक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा गया विद द हेल्प ऑफ RBI, और उस प्रोजेक्ट के अंडर क्या था कि डिजिटल रॉबरी को रोका जाए, एंड विद इन द इनिशियल 10 डेज इन्होंने 2.5 lakh के फ्रॉड जो थे वो कर्ब किए। ठीक है, यानी कि इन दिस सेक्टर आल्सो इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। अब उसमें क्या होता था कि जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पुलिस ऑफिशियल्स भी हैं और बैंक्स ऑफिशियल्स भी हैं, तो जैसे ही कोई रिपोर्ट मिलती थी कि कोई डिजिटल फ्रॉड हुआ है, ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती थी बैंक ऑफिशियल के पास, तो वो उसको ब्लॉक कर देते थे, तो इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। ओके, और नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसको कर्ब करने में इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले करा है, तो इसमें इन्होंने क्या करा कि लॉग डिटेल्स ऑफ दोज ब्राउजिंग एंड शेयरिंग द चाइल्ड पोर्नोग्राफी दे वर ट्रेस्ड, एंड अप्रॉक्स 25 persons
हैव बीन अरेस्टेड अंडर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट का जो रोल है वो बहुत सारी अदर सेक्टर्स में भी है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, हमें पता है कि ऑनलाइन जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको कब करने में इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। इसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल एस्प्योनेज, ये क्या होते हैं कि बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल सीक्रेट डाटा है उसको साइफन ऑफ किया जाता है, ठीक है, कोई पैसे लेके वो उस इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए भी इन्होंने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं। और इसके अलावा एक और बहुत मेजर इशू है, वो है ऑनलाइन यूथ रेडिकलाइजेशन। अब इसमें क्या है, बहुत सारे जो टेरर ग्रुप्स हैं वो ऑनलाइन यूथ रेडिकलाइजेशन करती हैं, यूथ को अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स देयर टेरर ग्रुप्स, तो बहुत सारे यूथ जो हैं वो उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि आईएस का जो इशू था केरला में, तो इन्होंने उसको भी कर्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय दिस प्रोजेक्ट, अंडर दिस प्रोजेक्ट, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे साइंस का एक और क्वेश्चन जो कि कल GS3 एग्जाम में आया है, GS3 एग्जाम 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट अवर स्पेस प्रोग्राम। ओके, तो हमें पता है जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है तो ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि हम 2030 में लॉन्च करेंगे आफ्टर द गगनयान मिशन, तो वी कैन से इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द गगनयान मिशन। ओके, तो हम इसको 2030 में लॉन्च करेंगे, इट विल बी एन हैबिटेबल स्पेस क्राफ्ट। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है जो हमारा एट प्रेजेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो वो इसे साइज में बहुत बड़ा होगा, तो उससे कंपैरिजन में इसका जो मास है वो सिर्फ 20 टन्स है, तो इसको हम प्लेस करेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, तो ये वहाँ पे अर्थ को ऑर्बिट करेगा। ओके, और ये एक अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा फॉर अवर एस्ट्रोनॉट्स, तो वहाँ पे वो फॉर वीक्स और मंथ्स वहाँ पे रह सकेंगे और वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे, ठीक है। और इसके लॉन्च होने के बाद जो इंडिया है वो एलीट स्पेस क्लब में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं वो अभी तक US, रशिया और चाइना के हैं, तो अगर इंडिया ये इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर पाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। और अभी इसके लिए प्लानिंग शुरू हो गई है, तो क्योंकि ये एक्सटेंशन है गगनयान मिशन की, पहले हम क्योंकि ह्यूमन फ्लाइट जो है हमारा मिशन है उसको सक्सेसफुल बनाएंगे और उसके बाद इसको शुरू करेंगे, तो उससे पहले अभी हमने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं, जैसे कि स्पेड एक्स, इसका मीनिंग है इसरो जो है वो तैयारी कर रहा है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि इसमें जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन स्पेस क्राफ्ट टू अनदर स्पेस क्राफ्ट, तो इसकी प्रेपरेशन के लिए अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो शुरू कर दिए हैं। और क्योंकि हमें जैसे गगनयान मिशन के लिए हमें अभी एस्ट्रोनॉट्स भी चाहिए, तो उसके लिए हमने इंडियन एयरफोर्स के साथ इसरो ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन करा है, तो उसके अंडर वो सिलेक्ट करेंगे बेस्ट पायलट्स को और उसको ट्रेनिंग दी जाएगी इंडिया में भी और उनको अब्रॉड भी भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, तो ये सारा अंडर दिस मिशन होगा। इस मिशन की जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिया स्पेस प्रोग्राम के लिए ये रहेगी, वो हम इसके बाद लिखेंगे। अच्छा, एक बात आपने जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो 150 वर्ड्स का है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है और आपके 150 वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, साइंटिफिक डाटा ऑन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। अगर ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल होता है तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इन स्पेस जहाँ पर हम अपने माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे, उसमें मोस्टली जो है वो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होंगे जिसमें हम इफेक्ट ऑफ स्पेस देखेंगे ऑन वेरियस लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ डेज जो हैं वो बढ़ जाएंगे क्रू मेंबर्स के लिए, वो वहाँ पर अकोमोडेट हो सकेंगे तो आराम से वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे, ठीक है। और इससे हमें पता चलेगा इफेक्ट ऑफ लॉन्ग स्पेस फ्लाइट ऑन द ह्यूमन बॉडी कि माइक्रोग्रेविटी में यानी कि वहाँ पर स्पेस में ज़्यादा देर रहने से ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हमें पता चलेंगे, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं वहाँ पर वो सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे।
अब क्योंकि अभी तक इंडिया ने स्पेस टूरिज्म की तरफ कोई स्टेप नहीं उठाया है, तो ये स्पेस टूरिज्म के लिए नहीं होगा, ये जस्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए होगा। इसके अलावा ये अकोमोडेशन, जैसे हमने पढ़ लिया यहाँ पर, कि अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा क्रू मेंबर्स को, और फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत सारी हमें नॉलेज इन एक्सपेरिमेंट्स से मिलेगी कि फ्यूचर के जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। इसके अलावा ये रिफ्यूलिंग में हेल्प करेगा स्पेस व्हीकल की, जो हमारे व्हीकल्स होंगे जो हम अपने आउटर जो प्लैनेट्स के लिए, अदर्स प्लैनेट्स के लिए जो हमारे मिशंस होंगे उसके लिए जो स्पेस व्हीकल की रिफ्यूलिंग में हमारी हेल्प करेगा। तो ये सारी सिग्निफिकेंस होगी इसकी फ्यूचर में इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए। तो इसको हम वन बाय वन लिख देंगे और लास्ट में हम एक सिंपल कंक्लूजन भी लिख देंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन, कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए ये एक माइलस्टोन होगा अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अदर क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।